बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, अपडेट ये है कि हमारे फाइनल्स हो रहे थे, आप लोगों को मैंने बताया था, तो आज हमारा लास्ट पेपर है और है थ्योरी बेस्ड पेपर, इस वजह से इजी हुआ है, थोड़ी सी रिलीफ मिली है। बाकी प्रोग्रामिंग के पेपर थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनमें ब्लॉगिंग करना। तो बाकी अभी हम हॉस्टल आए हैं, मेरे सारे पेपर तकरीबन इधर ही हुए हैं, इधर ही होता था, मैं एक दो दिन घर गया हूँ, बाकी सारा दिन इधर होता था। तो अभी बस घर से आ गए मैं, हम इधर से दोस्त को लेना, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है और आज हमारा लास्ट पेपर है। तो सामा भाई खड़े हैं बस ऊपर, अब जाने लगे हैं, तो बाइक हमने पार्क कर दिया है, तो आइए चलते हैं। और इधर ही हमारा रूम है, दोस्त इधर आता है तो आपको दिखाते हैं रूम अपना। उठे देखो चबला सेल भाई, अहमद भाई। तो ये है जी हमारा हॉस्टल जिधर हम रहते हैं, और ये है हमारा रूम। पढ़ाकू बच्चे, वो हमारे उसामा भाई बैठे हैं, वो फौजी मियाँ बैठे हैं, और ये हमारा रूम है बैड बॉय। अहमद भाई क्या सूरत हाल है, पेपर की आता है भाई? यार सूरत हाल तो ये तैयारी तो माशाल्लाह सारी सही है, सारी अच्छा है, मिडनाइट ऑयल से बनती है काफी अच्छा, लेकिन अब इंशाल्लाह जो पेपर आया वीडियो वायरल हो रही भाई, वो जो पेपर है वीडियो वायरल जे जो पेपर हो आए अल्लाह तेरे वो हमारी जो है ख्वाहिशात के मुताबिक आए, जो हमने पढ़ाया वहाँ से ही आया। और इस भाई का कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होनी जी? नहीं नहीं इंशाल्लाह यार तैयारी तो हमने पूरी। और ये पीछे सुहेल भाई आ रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह चिल्ला काटा पढ़ाई का, बिल्कुल पढ़ा तो हमने बहुत है, इतने तो ठीक है भी नहीं पढ़ते जितना हमने पढ़ा। ना टीचर कौन है आपके? हमारे टीचर जनता बाहर आ रही है और हम अंदर जा रहे हैं पेपर देने। अहमद भाई जी भाई जान, यार इतनी रौनक है आज, आज चलते हैं यार, आज अभी हमारा पेपर पढ़ लेते हैं, रौनक पहले ही स्टार्ट हो पड़ी है। कोई नहीं, हम शाम में इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं, दिल छोटा नहीं करना, पहले पेपर दे लो। अच्छा ठीक है भाई जान जी, हमारा लास्ट पेपर भी एंड हो गया डाटा बेस का, और ये असनाद भी जा रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह डाटाबेस में टॉप किया है। तो पीछे पढ़ाकू बच्चे आ रहे हैं, इंसानों का भी अच्छा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छा हो गया, पेपर्स खत्म हो गए। सो फाइनली जी कल तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लिया, तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि इंजॉय वगैरह करके फिर रात को दोस्त के घर चले गए थे, वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे, तो उसके बाद लेट घर आए थे, तो मैं मूवी वगैरह देखने लग गया फिर सो गया। तो आज जुमे का दिन है, तो आप लोगों को जुमा बारिक हो, तो अभी बस मैं जुमा वगैरह पढ़ के आया हूँ और ये फल वगैरह खा रहा था, तो भी ये थोड़ी सी डाउन थी, तो सोचा ऊपर आके धूप वगैरह लगा लूँ। अभी ये घर बैठे बैठे थोड़ा सा प्लान बना था, दोस्त को मिलेगा, तो ये बिलाल भाई हैं, कैसे भाई जान, इनको मिलने ज़रा यूनिवर्सिटी आए, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सहीवाल, तो यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़रा गुड़े गुड़े रिश्तेदार पढ़ते हैं, तो हमने सोचा चलो चक्कर लगा लें। तो अभी एक बिच है नमूना ही है, तो एक साडा दोस्त है सुनैन, वो गेड़ी करा गया सानू, तो इसी तरह आए मैं मिलन, अभी ज़रा माहौल इंजॉय कर रहे थे। तो भैया आपकी क्लास है? नहीं मैं भाई वेले हैं, तो इसके बाद अब जरा गेड़ियाँ निकालते हैं, उसके बाद क्या सीन बनता है देखूंगा। मैंने आपको बताया मेरी तबीयत साथ थोड़ी सी जरा खराब सी थी, तो मैंने कहा फ्रेश होने आ जाऊँ जरा, यूनिवर्सिटी तो गया नहीं, तो यूनिवर्सिटी फ्रेश कर ली। भैया आपका मेहमान है, वो आप कुछ दे दो तो वो अलग बात है। ये भैया अब हमें ना जूते लगा रही है मीठी मीठी सी करके, तो यार इधर मैं आपको बात बताऊँ, कॉन्सर्ट जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। इधर मैं जैसे एंटर हुआ हूँ, वो ये सीन था कि मेरे पास ना कार्ड है, मैं बाइक लेके ऐसे ही एंटर हो गया, और भाई ने मुझे कहा आज ही कोई रोके रुकेगा नहीं, और अगर इनको लेके जाना हो यूनिवर्सिटी तो मुझे बाबा ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, इनका शनाख्ती कार्ड रखवाना है, बताना है क्यों आए हैं क्यों नहीं आए, तो वो सारा सीन। तो यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं है, और माशाल्लाह यहाँ पर इस्लामी माहौल बहुत है। यूनिवर्सिटी ऑफ सहीवाल से जी मैं घर आ गया हूँ, तो उधर दोस्त वगैरह मिल गए थे कॉलेज फेलोज, और तो काफ़ी पुराने दोस्त, उनके साथ बैठ के गपशप करने लगे, टाइम स्पेंड हो गया,
तो वो कहते होते थे कि यूनिवर्सिटी आया कर मिलता नहीं है ये वो, तो आपको पता है यूनिवर्सिटी से शाम को घर आता हूँ तो आप फाइनल चलने लगे थे तो टाइम नहीं मिलता था। तो आज फिर रीता, तो आज उनके साथ भी मुलाकात होगी, सारों के साथ काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके, पुरानी यादें ताज़ा होगी। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अब फिर अब हमारे फाइनल्स एंड हो गए हैं जैसा कि आपको पता है, और अब हमारी तीन लैब्स रह गई हैं सिर्फ, उनका ये सीन है 19, 20, 21 को हमारी लैब होनी है, तो वो हमने अपने प्रोजेक्ट्स जाके शो करवाने हैं, तो बस ये सीन होना है, वाइवा वगैरह होगा तो वो इंशाल्लाह इजी है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और मेरे साथ मेरा ग्रुप होगा सुहेल, वलीद और सामा, इन तीनों के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। बाकी हमारा रेगुलर जो उनका क्लासेस का सीन है, न्यू सेमेस्टर वो हमारा स्टार्ट होना है तकरीबन फरवरी के सेकंड वीक में, तो वो इंशाल्लाह आपको लाजमी फर्स्ट डे में भी विजिट करवाऊंगा। तो यहाँ तक था जी मेरा व्लॉग, तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लाइक शेयर और कमेंट करके लाजमी बताएं, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली बेल आइकन दबा दो जाके, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।